जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अनेक मूवी आयुष्मान खुराना का मोस्ट अवेटेड मूवी जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आज मैंने ट्रेलर देखा। मैं आज उससे ट्रेलर का रिस्पॉन्स रिव्यू सब कुछ दूंगा। एक्चुअली में दोस्तों, मूवी जिस टॉपिक का ऊपर है और जिस एरिया बेस है, कहीं ना कहीं मैं भी उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली ऐसा मतलब समझा जाता है, ऐसा मतलब ट्रीट किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मतलब इंडिया के लोग है ही नहीं, या फिर वो जो एरिया है पूरा नॉर्थ ईस्ट का, वो इंडिया का एरिया है ही नहीं। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे कुछ जब पब्लिक को अवेयर करने के लिए कुछ कोई ना कोई मूवी आए, लेकिन मेकर्स लोग को तो पैसा कमाना है, किसी को क्या पड़ा है इस टॉपिक के ऊपर जो मूवीज़ बनाए। लेकिन फाइनली इस बीड़ा को उठाया है अनुभव सिन्हा जी ने, जो मूवी के खुद राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, और मूवी को प्रोड्यूस भी किया है भूषण कुमार सर जी के साथ मिलकर। मैं पूरा टीम को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि द कश्मीर फाइल के बाद अब कोई एक रियल मुद्दे के ऊपर एक बढ़िया कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। फिल्म का जो सीन, जो कलर, जो सिनेमेटिक देखने को मिले, काफ़ी उम्दा लेवल पे है। और आयुष्मान खुराना का जो लुक है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, और मैं दिल से चाहूँगा कि इस मूवी को आप लोग प्यार दें, इस मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस आते रहता है आए दिन, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली मुंबई में चाइनीज़ कहते हैं, चिंगी कहते हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। बस बहुत बुरा लगता है उन्हें भी, क्योंकि वो एक्चुअली है इंडिया के, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ के वाले लोग मतलब उनको इंडियन है बोल के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये मूवी उन लोगों का, जितना भी ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सबका आँख खोल देंगे। और मैं पर्सनली ये मूवी को पहला दिन पहला शो जाके देखूंगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा कंटेंट बनेगा ही नहीं। और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए सबसे बड़ा बात है कि झगड़ा लगता है और एक रिस्क होता है कि ये चले ना चले, अगर कोई किसी प्रोडक्शन कंपनी को अगर प्रॉफिट ना आए तो वो ऐसा कॉन्टेंट बनाएंगे ही नहीं। तो सपोर्ट करना हमारे ऊपर है। बाकी बात फिल्म का जो विजुअल्स वगैरह देखे, डायरेक्शन वगैरह देखे, जो ट्रेलर का कट है वो काफ़ी लाजवाब है। और जहाँ तक मुझे इस फिल्म के इस टीजर में एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे एक डायलॉग है कि ये आयुष्मान खुराना और एक बैठे रहे तो उपेंद्र बोल के शायद साउथ इंडियन कोई एक्टर है, उनसे डिस्कस होते हैं कि जो हिंदी अच्छा बोलते हैं क्या वही इंडियन है या वही नॉर्थ इंडियन है। इस टाइप का ये टॉपिक कुछ है, डायलॉग पंचलाइन है जो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि फिल्म के अंदर कितने सारे ऐसे इम्पैक्टफुल लाइन है, डायलॉग है। और इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर आप लोग जाके देखें हॉल में, और इस फिल्म को हिट कराएं, ठीक है। ये जो मूवी है 27 मई को सिनेमा घर में रिलीज होने जा रही है फाइनली, और मैं चाहता हूँ कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मूवी तो ऐसे बहुत पहले ही रिलीज हो जाने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से लेट हुआ। और फाइनली टीज़र जो है, ट्रेलर जो है, काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन हाँ, लंबा होने के साथ साथ ये बहुत कुछ ही बयां कर देता है कि फिल्म में हम लोग क्या देखने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक कोई एजेंट है जो नॉर्थ ईस्ट में जिसे डिप्लॉय कर दिया गया है, वो वहाँ के परिस्थिति को टेकल करता है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से, और वहाँ क्या क्या चल रहा है वो सब चीज़ जो है उसको एनालाइज करके वो लोगों के सामने लाएंगे। ऐसा करता हूँ फिल्म बहुत अच्छा कमाए, बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा चले। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ऐसा कंटेंट को आप लोग सपोर्ट करें जिस तरह आप दूसरे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप लोग बिना मतलब का हीरोपंथी 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर राधे, ऐसा कोई बहुत सारा फिल्म है जिसका कोई बेस ही नहीं है, लेकिन ऐसा रियलिस्टिक जो ड्रामा मूवी है काफ़ी चलने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन ये रिस्क उठाया है, तो अब ये रिस्क को सक्सेस में बदलना हमारा और आपका ही काम है। अगर हम और आप अभी उठ के खड़े नहीं होंगे तो देश में कभी बहुत सारे ऐसे दबे मुद्दा है जिसके ऊपर मूवी बनना अभी शुरू हुआ है, अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो मूवी बनना बंद हो जाएंगे। एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मूवी का ट्रेलर देखे मैं एक चीज़ एनालाइज किया, इस ये मूवी का जो ट्रेलर का जो फ्रेम है ये जनरली 16:9 में भी नहीं है और 21:9 में भी नहीं है, ना ये IMAX फॉर्मेट है। अब इसका रेशियो क्या है और मेकर्स ने किस लिहाज पे
ये जो रेशियो है स्क्रीन का ये बनाया है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा अभी इस पे रिसर्च करूँगा, जानकारी लूँगा ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग का जनरली जो आँख में हम लोग थिएटर में जाकर देखते हैं वो 21:9 का होता है या फिर IMAX फॉर्मेट होता है, जो 16:9 होता है, जो 70mm जिसे लार्ज फॉर्मेट हम लोग कहते हैं IMAX। तो ये IMAX भी नहीं है, 16:9 भी नहीं है, 21:9 भी नहीं है। अब ये फॉर्मेट क्या है, क्यों है, किस तरह से ये बना है, क्योंकि देखिए 16:9 और 21:9 के बीच यहाँ पे जो सिनेमेटिक बार है वो रखा गया है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, अब इसका बेनिफिट्स क्या है मुझे पता नहीं। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही, इस ट्रेलर को आप लोग देखें और इसको शेयर करें, और अगला जो पब्लिक है सबको आप लोग अवेयर करें। के लिए बस इतना ही।